स्वागत है रसोई के पाठशाला में। आज हम बनाएंगे ओट्स मील। ओट्स मील हालांकि उन लोगों के लिए होता है जिन्हें लैक्टोज या फिर दूध ना पीने की आदत हो, यानी कि गाय के दूध की। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते ओट्स मील और इसे कितनी ग्राम से और कितने लीटर तक का। यहाँ मैंने ली हूँ 100 ग्राम्स का ओट्स, यानी कि एक ग्लास तक का। अगर आप एक लीटर का बना रहे हो तो करीब 250 ग्राम का दे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ओट्स ली हूँ, कूटा वाला ओट्स। अब मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन ली हूँ जिसको मैंने पहले से ही धीमी आंच में रखी हूँ। याद रखिए, आप जब भी कोई भी चीज़ सूखा चीज़ भूनें या कोई भी हो तो आप हमेशा उसको लो फ्लेम में भूनेंगे। और ओट्स को मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए, एकदम डार्क नहीं। अगर आप हल्का ब्राउन रखेंगे तो पीने में दूध का टेस्ट अच्छा आएगा, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भून लेंगे, ब्राउन कर देंगे, तो वो ब्राउन हो जाएगा और उसका दूध का अपन कड़वा टेस्ट आएगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपको ओट्स को हमेशा स्लो आँच में भूनने का, चाहे आप कोई भी चीज़ ले। अब मैंने यहाँ पर ओट्स को ठंडा कर दिया। अब मैं उसको डालूँगी मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि उसको मुझे एक लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पतला पानी जैसा पेस्ट चाहिए। आप इसमें पानी दो तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ठंडा पानी यूज़ करें या तो फिर नॉर्मल पानी, यानी कि रूम टेम्परेचर का। तो इस तरीके से मेरा ओट्स हो गया है तैयार। अगर आपको ये सादा ओट्स का दूध बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़, नहीं तो खजूर या फिर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं। इस तरीके से मेरा ओट्स मील हो गया है तैयार। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आपको आज का ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा, ओट्स मील। तो बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि आपको ये ओट्स मील कैसा लगा। तो अभी के लिए बाय बाय।